हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय लगभग ये महीना जब से शुरू हुई हुआ है, मई का महीना, तब से ही भारत और नेपाल के बीच में विवाद शुरू हो चुका है। कई बार आपने देखा कि भारत की ओर से प्रदर्शन किया गया, वहीं नेपाल की ओर से, और इसी के चलते नेपाल देश ने अपना नया नक्शा जारी कर दिया। लेकिन क्या यह भी सवाल बनता है कि आप भी नक्शा जारी करें, हम भी नक्शा जारी करें? तो नक्शा जारी करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, आपको भी पता है और पूरी दुनिया को, सभी को पता है। तो यहाँ पे आज जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से आपको कई ऐसे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे कि जो आपके मन में विवादित चल रहा होगा। चाहे आप भारत के रहने वाले हो, नेपाल के रहने वाले हो या किसी भी देश के रहने वाले हो, अगर आप इंटरनेशनल इशूज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक ही है कि नेपाल अपनी हर गलती का दोष भारत को क्यों देता है, क्या उसमें भारत की गलती होती है या नहीं। जैसे देखिए, जहाँ पे गलती है वहाँ तो भाई आप दोष दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ना गलती करने के बाद भी अगर कोई ऐसा आरोप लगाता है कि आपने ऐसा किया या आपके आपके कारण से ही ऐसा हो रहा, हमारा नुकसान हो रहा है, तो वहाँ पर बात नहीं बनती है। नेपाल ने अपने नए नक्शे में लिम्पुधुरा, लिपुलेग और काला पानी से सटे भारतीय इलाकों को आखिर कैसे अपने देश में दिखा दिया, जो अभी हाल ही में नक्शा जारी किया गया। तो इस टॉपिक को हम प्रश्न के माध्यम से ही शुरू करेंगे। राजतंत्र के जमाने में नेपाल में एक तंजदारी चलती थी, मुख्य कानून छह, अर्थात जो मुख से निकल गया वही कानून है। 28 मई 2008 को नेपाल में राजशाही शासन को खत्म कर नेपाल में लोकतंत्र, या जिसे हम लोकशाही भी कह सकते हैं, कि ये राजशाही के स्थान पर लोकतंत्र की शासन वहाँ पे घोषणा की गई। मगर आज भी शासन प्रशासन का तरीका वही पुराना वाला है जो पहले राजशाही वाले शासन में चला करता था। बीते बुधवार को सर्वदलीय बैठक में नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने दिए गए बयान में कहा था कि नेपाल देश भी अपना नया नक्शा जारी करेगा, जैसा भारत देश ने नवम्बर 2019 में जारी किया था। इनके बयान देने के मात्र 5 दिन के बाद ही इसी सोमवार को, अर्थात 18 मई की बात है, 18 मई 2020 को नए नेपाल का राजनीतिक नक्शा मंत्रिपरिषद ने जारी भी कर दिया। यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है कि जो काम पिछले 26 सालों में नहीं हो सका था, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मात्र 5 दिनों में ही कर दिया। इस नए राजनीतिक नक्शे में लिम्पुधुरा, लिपुलेग और काला पानी से लगे भारतीय इलाकों को भी नेपाल का हिस्सा बता दिया गया है। नए नक्शे में गुंजी, नाभी और कुटी जैसे गांवों को भी नेपाली इलाके में दिखाया गया है, जबकि ये सभी जो गांव हैं, चाहे वो गुंजी हो, नाभी हो, कुटी हो, ये सभी भारतीय क्षेत्र के हैं और ये भारतीय गांव हैं, इसे भी नेपाल ने अपने नक्शे में दिखा लिया। यहाँ पर दो नक्शे आपकी इमेज पे दिखाई दे रहे हैं आपकी स्क्रीन पे। तो ये जो दाएं वाला साइड वाला है ये अब का है जो अभी जारी किया गया है, और ये बाएं साइड वाला है ये पहले का था। लेकिन जब किसी भी देश में कोई भी काम होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा देश हो, और बॉर्डर के किनारे पे ऐसे काम होते हैं, तो उस पर समय समय पर विवाद तो होता ही होता है। तो ऐसे में कई प्रश्न उठकर सामने आते हैं। जैसे आपको बताया गया कि आपको याद होना चाहिए कि 1975 में जब नेपाल देश ने नक्शा जारी किया था तो उसमें लिम्पुधुरा के 335 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को नहीं दिखाया गया था। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, लेकिन मंगलवार 19 मई 2020 से यह नेपाली संविधान की अनुसूची, सरकारी निशान और उसके पाठ्यक्रम का हिस्सा हो गया। बताया गया है कि आने वाले समय में जब अगला सत्र शुरू होगा वहां पर इसके बारे में, काला पानी, लिपुलेग, लिम्पुधुरा के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा। सवाल तो ये बनता है कि क्या इस नए नक्शे को हेग स्थित जो आपका ICJ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जिस पर पूरी दुनिया को भरोसा होता है, या दुनिया की कोई भी न्यायपालिका इस नक्शे को मानेगी जो अभी हाल ही में नेपाल देश ने इसे जारी किया है, और ये छोटे छोटे जो गांव हैं, भारतीय गांव हैं, इसे अपने देश में दिखाया गया है। ब्रिटिश भारत में 1798 से लेकर 1947 तक जो भी नक्शे समय समय पर जारी किए गए, जैसे 1816 में जारी किया गया, 1827 में, 1875 में, ऐसे समय समय पे ब्रिटिश के माध्यम से नक्शे जारी किए गए, और उन नक्शों पर नेपाल को कोई आपत्ति नहीं थी कभी भी, चाहे वो सुगोली संधि के समय जारी किया गया है, 1827 या समय पे जब भी जारी किया गया था। इस बात को नेपाल देश के ही प्रोफेसर लोकराज बराल 1996 में नई दिल्ली में नेपाल देश की ओर से राजदूत रह चुके थे। पिछले सप्ताह एक बातचीत में इन्होंने बताया कि नेपाल देश उस समय में भी ब्रिटिश इंडिया के नक्शे पर निर्भर रहता था। उस समय समय पर बताया जाता था कि यहाँ पे देखिए ये आपका क्षेत्र है, और जो ब्रिटिश सरकार बना के देती थी नक्शा वही नेपाल देश मानता था। भारत और नेपाल संयुक्त प्राविधिक समिति या इंडिया नेपाल ज्वाइंट टेक्निकल कमिटी ने 26 वर्षों का समय लगाकर 182 स्ट्रिप मैप के साथ 98% रेखांकन का कार्य
पूरा कर लिया है और इसमें 2% कार्य कई वर्षों से शेष पड़े हैं और इस पर भारतीय पक्ष की मुहर भी नहीं लगी है। भारत और नेपाल के मध्य नया विवाद 2 नवंबर 2019 को शुरू हुआ जब भारत ने कश्मीर लद्दाख को लेकर नए नक्शे को जारी किया और इस नक्शे में देश के सभी पड़ोसी देशों की सीमा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया था, न तो भारत पाकिस्तान के बीच में कोई विवाद हुआ। लेकिन इधर जब विवाद हो गया भारत और नेपाल के बीच में जब ये नक्शा जारी किया गया था, पर भारतीय विदेश मंत्रालय के स्पष्टीकरण के बाद भी नेपाल देश मानने को तैयार नहीं था। वह विदेश सचिव स्तर पर इसे सुलझाना चाहता था। नए भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला 29 जनवरी 2020 को पद लेने के साथ नेपाल से इस विषय पर संवाद करते तो यह संभव नहीं होता, क्योंकि तुरंत अभी उनका ज्वाइनिंग हुआ था, तुरंत उनकी पोस्टिंग हुई थी। तो ऐसे समय में कोई भी व्यक्ति या कोई भी अधिकारी होता है तो ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर बात नहीं करता, उसको कुछ ना कुछ समय लगता है। जब सभी को लगा कि अब बैठक मार्च या अप्रैल में होनी चाहिए तो इस कोरोना वायरस महामारी ने दुनिया भर के साथ साथ भारत और नेपाल को भी बहुत ही अधिक प्रभावित करना शुरू कर दिया। जब से नेपाल में ही लॉकडाउन जारी है उसी के समय से भारत में भी आज लगभग 2 महीने के करीब हो गए लॉकडाउन जारी है। यहाँ पर यह भी प्रश्न बनता है कि यदि लिपुलेख मुद्दा ओली सरकार के लिए इतना ही महत्वपूर्ण था तो 28 मार्च 2019 को विदेश सचिव स्तर की बैठक पे इस मुद्दे को क्यों नहीं शामिल किया गया। आप सभी को यह भी समझना होगा कि जब कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग होती है तो सबसे पहले लिस्ट बनाई जाती है कि किस मुद्दे पर कब बात किया जाएगा। दोनों देश ये बताते हैं कि हम किस मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इस बैठक में जो 28 मार्च 2019 को हुई थी नेपाल के काठमांडू में ही हुआ था, लेकिन इस काला पानी लिपुलेख विवाद को वहाँ पे लिस्ट में रखा नहीं गया था, तो बात करने की बात ही छोड़ दीजिएगा। और उस समय इस बैठक में तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव विजय कुमार गोखले व उनके नेपाली समकक्ष शंकर लाल बैरागी क्रॉस बॉर्डर रेलवे मोतिहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन व अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पर सहमति बना रहे थे इस बैठक में। लेकिन इस बैठक में इस मुद्दे को उठाया नहीं गया कि काला पानी लिपुलेख सुस्ता जो भी चल रहा है इसको भी सुलझा लिया जाएगा इस बैठक में। तो इसमें इस मुद्दे से जो पिछले 60 वर्षों से चला आ रहा था क्यों नहीं शामिल किया, ये भी एक प्रश्न बनता है। यहाँ पर हम 3 से 4 पॉइंट ऐसी बात करने वाले हैं जिसे आप ध्यान से सुने व पेन और पेपर से नोट भी कर लें, क्योंकि इसका जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा और आपको भी अपने मोबाइल लैपटॉप जो भी आप यूज करते हैं उससे जाके खोजना होगा कि क्या वास्तव में नेपाल देश की गलती है और बार बार भारत सरकार की गलती दोष देते हैं कि भारत सरकार की कारण से ऐसा विवाद फंसा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट है 1962 भारत और चाइना युद्ध के समय से ही यहाँ पर ITBP की तैनाती भारत देश ने कर रखी है। नेपाल देश इसको हटाने की मांग कई बार कर चुका है, उसी समय से भी करता रहा है। कायदे से नेपाल को ऐसा कोई पत्र दिखाना चाहिए, भारत को ही दिखा दे या किसी और जहां पे इसको विश्वास हो चाहे वो ICJ में दिखा दे, जिसमें तत्कालिक भारत सरकार ने लिपुलेख जो ट्राई जंक्शन है पर ITBP सेना की तैनाती पर कोई अनुरोध किया था नेपाल देश से कि देखिए भाई भारत और चीन से हमें युद्ध करना है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, आपकी जगह मैं ले रहा हूँ, आप हमें बताइए कि हम आपकी जगह ले सकते हैं नहीं। तो बदले में क्या भारत सरकार ने नेपाल को कोई पत्र लिखकर दिया था या नेपाल सरकार ने कोई पत्र भारत से लिख के मांगा था कि आप हमें ये दीजिए कि जैसे ही ये मामला खत्म होगा आप अपने ITBP या जो भी सेना वहाँ पे तैनात हैं उसे वापस। आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, भारत की ही बात है, जैसे जम्मू कश्मीर जब अलग हुआ था या पाकिस्तान कह सकते हैं जब अलग हुआ था, तो ये सब अलग अलग देश थे, जम्मू कश्मीर अलग देश था। जब उसे भारत में मिलाया गया था तो नेहरू जी ने उस समय एक संधि करवाई थी कि आप भाई इसमें लिखित दीजिए, जहां वहां के उस समय राजा हरि सिंह थे उन्होंने लिखित में दिया था कि मैं इस तरह से भारत में शामिल हो रहा हूं और बाद में इससे अलग नहीं होऊंगा। तो इस तरह से क्या नेपाल के पास कोई वो समझौता है, कोई ऐसा पत्र है जो दिखाए कि भारत ने हमारे जमीन को लिया था और इसके बदले में हमें एक पत्र या लेटर लिखकर हमें दिया था? ऐसा है तो नेपाल सरकार पेश करे। तो ये था पहला पॉइंट, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, क्योंकि इसी तरह से हम 4 से 5 पॉइंट पे बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि सितंबर 1961 में जब काला पानी विवाद उठा था, सबसे पहले यही विवाद 1961 में काला पानी वाला विवाद उठा था भारत और नेपाल में। उससे बहुत समय पहले अर्थात 29 अप्रैल 1954 को भारत व चीन के मध्य सिप्ला लिपुलेख दर्रे के जो रास्ते हैं उससे व्यापार समझौता हो चुका था। वर्ष 1954 से लेकर 2015 तक चीन ने कभी भी नहीं माना कि लिपुलेख वाले हिस्से में जहां से उसे व्यापार भारत से करना था या व्यापार हो रहा था वहां पर नेपाल भी एक पार्टी है या ट्राई जंक्शन है। वर्ष 2002 में एक ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बनाई गई। उन दिनों नेपाल की कोशिश थी कि चीन देश को भी इस जो आपका ज्वाइंट टेक्निकल कमेटी बनाई गई थी उसमें शामिल किया जाए।
चीनी विदेश मंत्रालय ने 10 मई 2005 को एक प्रेस रिलीज द्वारा स्पष्ट किया था कि काला पानी भारत और नेपाल के बीच का मामला है, इसे इन दोनों को ही मिलकर सुलझाना होगा। यही बात अभी कल ही चीन के जो वर्तमान विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता झाओ लीजियन ने भी कहा कि यह विवाद सिर्फ भारत और नेपाल के मध्य है और दोनों मिलकर सॉल्व करें तो ही फायदा होगा, चाहे वो भारत हो या नेपाल हो, दोनों को कह सकते हैं कि फायदा होगा। वहां पर सवाल ये बनता है कि अगर ये स्थान जो आज विवादित है अगर नेपाल का होता तो 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन के बीच ये व्यापारिक समझौता हो रहा था तो उस समय नेपाल ने क्यों विरोध नहीं किया। तीसरा पॉइंट बताया गया है कि नेपाल देश 1950 की संधि को भी ध्यान से नहीं देखता है। 31 जुलाई 1950 को हुई भारत नेपाल संधि के अनुच्छेद जो 8 है या जो आर्टिकल नंबर 8 है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कि आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इससे पहले ब्रिटिश इंडिया के साथ जितने भी समझौते हुए हैं उन्हें रद्द या कैंसिल माना जाएगा, अर्थात सुगोली संधि भी खत्म हो जाएगा जब 1950 का ये समझौता हो रहा था। यह एक ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो काला पानी के नेपाली दावे पर पानी फेर देता है। दरअसल ओली गवर्नमेंट काला पानी लिपू लेक के विवाद में फंसी हुई है क्योंकि उनकी जो सरकार है वो जाने वाली है। आप सभी को पता है कि जैसे ही नेपाल में लॉकडाउन खत्म होगा वैसे ही नेपाल देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा, चाहे वो कोई भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है, लेकिन केपी शर्मा ओली नहीं बनेंगे नेपाल के प्रधानमंत्री। तो वही इसमें कहा गया। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो आर्टिकल नंबर 8 है उसमें क्या कहा गया है जो 1950 में समझौता हुआ था। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है आर्टिकल नंबर 8, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है अगर बात किया जाए कि 1950 की जो संधि नेपाल और भारत के बीच में हुई थी। तो यहाँ पे ये दिया गया है, आप इसे पढ़ लीजिएगा। सो फार एज मैटर डेल्ट विथ हेयर इन आर कंसर्न दिस ट्रीटी कैंसिल आज प्रीवियस ट्रीटीज एग्रीमेंट एंड एंगेजमेंट इंटर इंटू ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। इसका मतलब यही इसमें कहा गया है कि 1950 के पहले अर्थात जितने भी समझौते भारत तो यहाँ पे कहेंगे तो ठीक ही रहेगा, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि ब्रिटिश के मध्य ब्रिटिश सरकार और नेपाल सरकार के मध्य में जितने भी समझौते 1950 से पहले हुए थे सभी इस 1950 के समझौता जो भारत और नेपाल के मध्य हो रहा है उसके पहले जितने भी समझौते थे सभी रद्द किए जाएंगे, उसको नहीं माना जाएगा, उसको नियम कानून को नहीं माना जाएगा। तो आप समझिएगा कि 1950 के पहले कौन सा समझौता हुआ था, 1816 वाला जो आपका सुगोली के नाम से जानते हैं वह हुआ था, तो उसी के आधार पर डिसाइड हुआ था। तो इस तरह से अगर इसमें कहा गया है अगर आप 1950 को मानते हैं तो आपको 1816 वाले संधि को छोड़ना पड़ेगा, और अगर आप 1816 वाला मानते हैं तो आपको 1950 वाला भी छोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे में ये आपके लिए समस्या है कि किसको माना जाए, क्योंकि अगर किसी न किसी आधार से आप मानेंगे तो आपके लिए ही सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। तो ये आप इसे जाकर अपने चाहे जो भी आपके चैनल होते हैं चाहे आप ये ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाके आर्टिकल नंबर 8 को जरूर देखिएगा जो 1950 में भारत और नेपाल के बीच में समझौता हुआ था। आपको ज़्यादा हैरानी तब होगी जब आपको पता चलेगा कि स्वयं नेपाली सरकार के केंद्रीय मंत्रियों को ये ठीक से पता नहीं है कि जिस सड़क का उद्घाटन 8 मई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था वह सड़क कब से बनना शुरू हुई थी। जैसे नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली कहते हैं कि भारत लिपुलेख में 2012 से रोड बना रहा था। इन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट हमें न्यूज मीडिया के माध्यम से पता चला कि भारत यहाँ पे ऐसा ऐसा रोड बना रहा लेकिन हम कुछ कर नहीं रहे। यह कुछ अजीब नहीं लगता है जो विवादित इलाका नेपाल की राजनीति का एपी सेंटर अर्थात मुख्य बिंदु है बना हुआ है पिछले 60 वर्षों से। एक दो साल की बात हो तो चलो ठीक है भाई सरकार बदल गई कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पिछले 60 सालों से ये केंद्र बना हुआ है। जब भी चुनाव होता है चाहे भारत में देख लीजिए या नेपाल में कोई भी चुनाव होता है तो ये विवादित वाला जो क्षेत्र है भारत और नेपाल के बीच में ये जरूर मुद्दा उठाया जाता है चुनाव के समय में। तो वही कहा गया कि अगर ऐसा था तो ओली सरकार और ग्यावली अनजान कैसे हो सकते हैं कि भारत 2012 से अगर मान लीजिए वहां पे रोड बना रहा है तो ये क्यों नहीं बोल रहे थे या क्यों विरोध नहीं कर रहे थे। पुराने टेंडर व दस्तावेज बताते हैं कि सीसकला लिपुलेख दर्रे को जोड़ने वाली 75 किलोमीटर जो दुर्गम सड़क 2002 से ही बनना शुरू हुआ था। यह परियोजना 2007 में ही पूरी हो जानी चाहिए थी लेकिन बढ़ते बढ़ते जैसे होता कि कटाव या बहुत ही वहाँ पे खतरनाक ऐसे रास्ते थे जो पहाड़ काटना था इसके कारण से
ये जो सड़क है ये 2020 में जाके पूरी हुई है। और ऐसे में अगर कोई विदेश मंत्री ये बात कहे कि हमें 2012 में पता चला, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे? जो सड़क 2002 से शुरू हुआ है आप कहते हैं कि हमें 2012 में पता चला और वो रोड जाके 2020 में पूरा होता है, तो ऐसे में आप इसके बीच में क्या कर रहे थे? क्या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आप जाकर उस रोड को बंद करवा दे, तो भाई हमारे जमीन में आप ना बनाइए, या आप उस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठा सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, आपके पास हर प्रकार की व्यवस्था है। क्योंकि आपके देश में अगर कोई काम होता है, कोई भी देश में अगर ऐसा होता है, तो उसमें उस देश का सबसे बड़ा अधिकार होता है। तो ऐसे में ये कह देना कि हमें 2012 में पता चला या हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये आप अपने आप को या अपने देश को गुमराह करने की कोशिश साफ साफ कर रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री ओली इस पूरे मामले को राष्ट्रीय अभिमान की ओर ले जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री व जनता समाजवादी पार्टी के नेता बाबूराम भट्टराय ने यूं ही नहीं कहा था कि राष्ट्रवाद का भौकाल खड़ा करने के बजाय सरकार पुराने दस्तावेजों को जुटाए और कालक्रम अर्थात समय के अनुसार व्यवस्थित करे, तभी इस लड़ाई को वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकेगी। चाहे आप ICJ की तैयारी कर रहे हैं या आप UNO में जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे भी जाइए, जब तक आपके पास डॉक्यूमेंट सबूत नहीं होगा तब तक आप नहीं लड़ पाएंगे। चाहे आप भारत देश से लड़िए, चाहे चीन से लड़िए, किसी से भी लड़िए, आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है सबूत होना चाहिए। इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, नेपाल देश में परिस्थितियां बता रही हैं कि लिपुलेख विवाद में प्रधानमंत्री ओली ने जानबूझकर आग में पेट्रोल डाला है। काला पानी के झांगरू गांव में नेपाल अर्धसैनिक बल APF की तैनाती ओली का खुद का फैसला। उनके जो मंत्री लोग हैं उन्होंने भी इनका सपोर्ट नहीं किया कि आप सेना को मत भेजिए, क्योंकि सेना भेजने से कोई काम नहीं होगा, क्योंकि नेपाल और भारत के बीच में कोई भी विवाद अगर सुलझता है तो वह सिर्फ बातचीत के माध्यम से। तो ऐसे में सेना भेजने से आप अपने आप को ही एक तनाव के रूप में देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बुधवार को हुए बैठक में चर्चा तक नहीं हुआ था। ओली चाहते हैं कि सीमा पर तनाव बढ़े ताकि देश का ध्यान उधर की ओर उलझा रहे। अब क्यों उलझा रहे, ये भी आप सभी को समझना होगा, क्योंकि आपको सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि 29 मई 2020 को बजट प्रस्ताव के बाद ओली पद पर रहे या ना रहे, कहना अभी मुश्किल है कि वह प्रधानमंत्री रहेंगे नेपाल के या नहीं, दूसरा कोई बनेगा या नहीं, ये तो अब नेपाल की जनता या नेपाल के जो भाई सांसदगण है वो डिस्कस करेंगे कि कौन बनेगा कौन नहीं। क्योंकि इस सर्वदलीय बैठक में 44 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी में प्रधानमंत्री ओली के पक्ष में 14 सदस्य हैं, प्रचंड गुट के 17 और माधव नेपाल के 13 सदस्य मिलकर कोई नया गुल खिलाने का मन बना चुके हैं। और लगातार प्रधानमंत्री ओली के ऊपर राजनीतिक दबाव जारी है, उनके पास सिर्फ दो ऑप्शन है। अब ये दो ऑप्शन कौन से हैं इसको भी आपको समझना होगा, उसके बाद आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आएगी कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं KP शर्मा ओली हैं, वो इस समय क्यों एक हफ्ते के अंदर इतने बड़े कदम क्यों उठा रहे हैं, चाहे वो सेना को बॉर्डर पे भेजना हो या नए नक्शे जारी करने हो, तो इसके बारे में आपको विस्तार से समझ में आएगा। तो पहला पॉइंट ये बताया गया है कि या तो पार्टी की अस्थायी समिति और संसदीय दल में अपना बहुमत का समर्थन स्थापित करें या पद छोड़ दें, जबकि इनके पास तो बहुमत है ही नहीं, वही हमने आपको बताया 44 सदस्यीय स्टैंडिंग कमेटी में इनके पास सिर्फ 14 सदस्य हैं, तो आप बताइए कहाँ पे जीत रहे हैं, वैसे ही आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये बताया गया कि इनके पास जो ऑप्शन है ओली को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए, यदि वह सार्वजनिक रूप से अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें और प्रतिद्वंदी पुष्प कमल दहल और माधव कुमार नेपाल गुट को आश्वासन दें कि उन गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा जो पहले से होती आ रही हैं। अब यहाँ पर यह भी प्रश्न बनता है कि KP शर्मा ओली ने कौन सी गलतियाँ की जिसको ये जो पुष्प कमल दहल जी हैं और माधव कुमार जी माफ़ कराना चाहते हैं, उनसे लिखित में लेना चाहते हैं कि इसके बाद वो गलतियाँ नहीं होंगी, लेकिन प्रधानमंत्री ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है। वे राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी के साथ मजबूती से मध्यावधि चुनाव या आपातकाल की स्थिति की भी धमकी दे चुके हैं कि अगर ऐसा करते हैं जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं तो ऐसा ऐसा कराएंगे, या तो दोबारा चुनाव करा देंगे या सिर्फ नेपाल में इमरजेंसी लगा देंगे। लेकिन संविधान PM को मध्यावधि अर्थात कार्यकाल के पूरा होने से पहले चुनाव कराने की अनुमति नहीं है, ऐसा संविधान विशेषज्ञ डॉक्टर विपिन अधकरी कहते हैं। मध्यावधि चुनाव तभी हो सकते हैं जब संघीय निचला सदन बार बार के प्रयासों में नए प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं कर सकता, क्योंकि नेपाली संविधान संसद की पूर्ण अवधि का परिकल्पना करता है। केपी शर्मा ओली दो आधारों पर समय खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये भी आपको समझना होगा कि समय कैसे खरीदा जाता है। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, इस तरह से आपने सुना होगा कि किसी भी केस को आगे बढ़ाते जाओ जब तक वह आदमी परेशान ना हो जाए, खुद माफ़ी ना मांग ले कि भाई हमसे गलती हो गई, चलिए ठीक है आप ही विजय है। तो वही इसमें कहा गया है कि ओली सरकार दो आधारों पर समय खरीदने की कोशिश कर रही है। पहला, वे कहते हैं कि विपक्षी गुट को तब तक इंतजार करना चाहिए
कि जब तक कोरोना वायरस का संकट खत्म नहीं हो जाता। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जो कोरोना वायरस है ये किसी को पता नहीं कि कब खत्म होगा कब नहीं खत्म होगा, क्योंकि वैक्सीन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी भी देश को। ऐसे में केपी शर्मा ओली लंबे समय तक प्रधानमंत्री बना रहना चाहते हैं। और दूसरा यह कि सरकार सदन में जल्द ही बुलाने की तैयारी कर रही है कि जिससे मई के अंत तक अपना बजट पेश कर अपना वार्षिक नीतियों और कार्यक्रमों का अनावरण कर ले। अब यहाँ पर कई प्रश्न बनते हैं, आपको इन प्रश्नों के जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। सबसे पहला सवाल ये है कि अब आप सभी बताएं कि गलती किसकी है इसमें, जो ये विवाद समय समय पर होते रहते हैं। जैसे ऑप्शन दिया गया कि भारत सरकार की गलती है, दूसरा है कि नेपाल सरकार की गलती है, इसमें किसकी गलती है। मैंने यहाँ देश इसलिए नहीं कहा क्योंकि गलती देश नहीं सरकार करती है, चाहे वो किसी भी देश की सरकार हो लेकिन उसका परिणाम पूरे देश को सहना पड़ता है। दूसरा सवाल ये है कि जिस भाई को लगता हो कि ये इन्फॉर्मेशन फेक है या फेक ऐसे बनाया जाता है, वो जाकर चाहे द काठमांडू पोस्ट पर चेक कर ले या द हिमालय न्यूज़पेपर में चेक कर ले या जिस पे भी उसको विश्वास हो भाई, वो जाकर वहाँ से चेक कर ले। और फालतू कमेंट करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आपका जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं। हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स होता है वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, हर प्रकार की व्यवस्था की गई है। आप अपने जो भी समस्या है वो पूछ सकते हैं। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।